नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूं आज फिर एक नई ज्ञानवर्धक पौराणिक कहानी के साथ। कहानी भगवान सूर्यदेव और उनकी पत्नी पर आधारित है। इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर भगवान सूर्यदेव की पत्नी उन्हें छोड़कर अपने पिता के घर क्यों चली जाती है और पत्नी वियोग में भगवान सूर्यदेव को क्यों लेना पड़ा घोड़े का रूप तथा घोड़ा अवतार में उत्पन्न हुए पुत्रों के बारे में। साथियों, कहानी बहुत ही प्रिय और ज्ञानवर्धक है, तो बने रहें कहानी के अंत तक। लेकिन इससे पहले मुझे भी अपना बहुमूल्य प्यार देते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन की बटन पर जाकर ऑल सेलेक्ट करना न भूलिए, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद। साथियों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान सूर्य का विवाह भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था, अर्थात सूर्य भगवान की पत्नी का नाम संज्ञा था। विवाह के बाद संज्ञा ने वैवस्वत और यम नामक दो पुत्रों को तथा यमुना नामक एक पुत्री को जन्म दिया था। संज्ञा बड़े ही कोमल स्वभाव की थी, जबकि सूर्यदेव प्रचंड तेजवान थे। संज्ञा भगवान सूर्य के तेज को बड़े ही कष्ट से सहन कर पाती थी। उसके लिए वह तेज असहनीय था। तब उसने तेज से बचने के लिए वह अपनी छाया को उनकी सेवा में छोड़कर स्वयं अपने पिता भगवान विश्वकर्मा के पास चली जाती है। उसे वहां रहते रहते अनेक दिन हो जाते हैं। तब भगवान विश्वकर्मा ने उसे अपने पति के घर लौटने को कहा। वह सूर्यदेव के तेज से भयभीत थी और उनका सामना नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उत्तर कुरु नामक स्थान पर एक घोड़ी का रूप बनाकर कठोर तप करने लगी। इधर भगवान सूर्यदेव और संज्ञा की अन्य संतानें छाया को ही अपनी मां संज्ञा समझते रहे। एक दिन छाया ने किसी बात से क्रोधित होकर यम को श्राप दे दिया। श्राप से भयभीत होकर यम अपने पिता सूर्यदेव की शरण में गए और उन्हें माता द्वारा श्राप देने की बात बताई। माता ने अपने पुत्र को ही श्राप दे दिया। यह सुनकर सूर्यदेव को छाया पर बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने छाया को बुलवाया और उससे संज्ञा के विषय में पूछताछ करने लगे। छाया के चुप रहने पर वे उसे श्राप देने को तैयार हो गए। तब छाया ने डरकर उनसे सब सच सच बताया। भगवान सूर्यदेव ने उसी क्षण समाधि लगाकर देखा कि संज्ञा उत्तर कुरु नामक स्थान पर एक घोड़ी का रूप धारण कर उनके तेज को सौम्य अर्थात कम और शुभ करने के लिए कठोर तपस्या कर रही है। तब भगवान सूर्यदेव ने अपने ससुर विश्वकर्मा से या उनके पास जाकर उनसे अपना तेज कम करने की प्रार्थना करी। तब भगवान विश्वकर्मा ने उनके तेज को कम किया। सूर्य के तेज से पृथ्वी समावेद में तेज से स्वर्ग और यजुर्मय तेज से पाताल की रचना हुई। सूर्यदेव के तेज के 16 भाग थे, भगवान विश्वकर्मा ने उनमें से 15 भाग कम कर दिए और उनमें से भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का चक्र, वसुवासक नामक भयंकर शंख और भगवान अग्निदेव की शक्ति और भगवान कुबेर की पालकी तथा अन्य गंधर्वो देवगणों के लिए अस्त्र शस्त्रों की रचना की। तभी से सूर्यदेव भगवान अपने तेज के 16वें भाग से ही चमकते हैं। तेज कम होने के बाद भगवान सूर्यदेव एक अश्व मतलब घोड़े का रूप बनाकर अपनी पत्नी संज्ञा के पास गए और वहीं पर उनके साथ संसर्ग किया। इससे उन्हें नासत्व और दस्त्र तथा रेवांत नामक 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। नासत्य और दस्त्र आगे चलकर अश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात सूर्य ने प्रसन्न होकर संज्ञा से वर मांगने को कहा। संज्ञा ने अपने पुत्र वैश्वत
के लिए मनुपद, यम के लिए श्राप मुक्ति तथा यमुना के लिए नदी के रूप में प्रसिद्धि होना मांगा। भगवान सूर्यदेव ने इच्छित वध वर प्रदान करते हुए और अपनी पत्नी संज्ञा को साथ लेकर अपने लोक को लौट आते हैं। इसके बाद वैश्वत सातवें मनवंतर के स्वामी बनकर मनु पद पर आसीन हुए। इसी मनवंतर में ऊर्जास्वी नामक इंद्र थे और अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि, ये सातों इस मनवंतर में सप्तऋषि थे। और इसी मनवंतर में भगवान विष्णु ने महर्षि कश्यप की पत्नी आदिति के गर्भ से भगवान वामन का रूप धारण कर या भगवान वामन नाम से अवतार लेकर तीनों लोकों को दैत्य राज बलि के अधिकार से मुक्त किया था। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। इसमें हमने जाना भगवान सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा तथा संज्ञा से उत्पन्न पुत्रों के बारे में। आशा करता हूँ कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।